चुका हूँ लिब्रेशन टावर, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। ये टावर के बारे में बता दूँ, ये जो टावर है ना, नंबर हम लोगों का कब आएगा कुछ मालूम नहीं पड़ा। कितने बहादुर लोग हैं यहाँ पर, सब खड़े हुए हैं टावर पे, लाइटें जल चुकी हैं और अभी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल नुमान ब्लॉग्स एंड बीटी। तो दोस्तों, आज मैं जाने वाला हूँ लिब्रेशन टावर, और लिब्रेशन टावर जो है वो है क्वेट सिटी में, और लिब्रेशन का मतलब होता है स्वतंत्रता या आज़ादी। तो ये जो है आज़ादी टावर, ऐसा क्यों इसका नाम पड़ा वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये 3-4 दिन के लिए ओपन हुआ है क्योंकि कुवैत का नेशनल डे आ रहा है, तो क्योंकि नॉर्मल डेज में ये ओपन नहीं होता है, तो वहाँ पर और फ्रेंड्स भी मिलने वाले हैं। तो हम चलिए चलते हैं वहीं पर, और बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में क्योंकि ये ब्लॉग आज का काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए फिर चलते हैं। राम परवेश भाई एक हैं, दोस्त मिल गए, तो उन्होंने कहा कि चलो हम चल रहे हैं सिटी, तो छोड़ देता हूँ मैं आपको, ड्रॉप कर देता हूँ। प्रवेश भाई को भी दिखाता हूँ। प्रवेश भाई जरा हाय बोलो। हाय हाय। तो चलते हैं फिर हम लोग। We were playing with fire. Everything turned to dust. When we... आप देख सकते हैं ये जो दिख रहा है सामने लिब्रेशन टावर, यहीं पर हम लोग जाने वाले हैं, और फिर देखते हैं चल के क्या सीन है वहाँ का। तो देख सकते हैं ऊपर कितना जगह जगह पे ऐसे यहाँ पर फ्लैग लगे हुए हैं, पूरा बहुत पूरे सिटी को ऐसे सजाया जाता है, और हम लोग काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं अभी। तो दोस्तों देख सकते हैं फाइनली अभी मैं पहुंच चुका हूं लिब्रेशन टावर, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जैसा आप देख रहे हैं, और वहां पीछे वहां पर काफ़ी रश है, और सभी लोग आए हुए हैं यहां पर लिब्रेशन टावर में, लिब्रेशन टावर के अंदर जाने के लिए। और अभी ओपन नहीं हुआ है, अभी 3 o'clock ओपन होने वाला है। तो यहां पर जिन लोगों को नहीं मालूम है मैं बता दूँ कि ये जो है लिब्रेशन टावर 4 दिन के लिए ओपन रहेगा नेशनल डे के ओकेशन पर, और नेशनल डे जो है ये अभी 23, 24, 25 और 26 ये 4 दिन ओपन रहेगा। तो आप यहां पर आ सकते हैं, और टाइमिंग में बता देता हूं 3 बजे से लेकर 8 बजे तक ये ओपन रहता है। तो कलीम भाई भी आ चुके हैं साथ में, और हम लोग मिल के एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो कलीम भाई, हम लोग आज किधर जाने वाले हैं, क्या तैयारी है आज? आज हम लोग जाने वाले हैं लिब्रेशन टावर में। लास्ट वीक भी मैं पिछले हफ्ते भी यहाँ पर आया था, लेकिन बंद था कुछ इसके अंदर जो काम करते हैं ना, कुछ बंदों ने बताया कि ये नहीं ओपन होता है ना, और आगे भी नहीं ओपन होगा, और कुछ लोगों ने बताया कि ये 23 को ये ओपन होगा। तो मतलब मिक्स रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन फाइनली आज हम आकर के देख रहे हैं कि यहाँ पर ओपन होने वाला। तो देखते हैं ऊपर तक पहुँच पाते भी कि नहीं, क्योंकि पब्लिक बहुत ही ज़्यादा है। तो देखते हैं आगे जो कुछ भी होगा आपको जानने को मिलेगा इस व्लॉग में आगे। तो अभी इधर है सुमित भाई, चलेंगे चलकर एक्सप्लोर तो करेंगे, दिखाएंगे आप आज क्या कुछ मजा आने वाला है। अगर मौका मिला तो मजा आएगा, काफी भीड़ है, नंबर आ गया तो ये बात सही है, काफी भीड़ है। तो फिर हम लोग चलते हैं, और फिर जैसा है अपडेट आपको देते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पर काफ़ी भीड़ है, बहुत सारी पब्लिक आई हुई है यहाँ पर, देख सकते हैं कुछ ऐसा है। और पर अंदर एक्सेस के लिए आज यहाँ टिकट भी कुछ ऐसा बुकिंग टिकट भी नहीं लगेगा, क्योंकि अभी ये 4 दिन नेशनल डे के ओकेशन पर ये फ्री में जा सकते हैं। ऐसे पहले भी हम लोग फ्री में जा सकते थे, लेकिन पहले ओपन नहीं होता है, तो अभी ओपन हुआ है। बट यहाँ पर कोई अपॉइंटमेंट लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मैं इस टावर के बारे में बता दूँ, ये जो टावर है ना ये 372 मीटर लॉन्ग है, और ये जो है कुवैत का सेकंड टालेस्ट स्ट्रक्चर है। कुवैत में जो इराक इन्वेजन हुआ था उसके पहले इसको बनाया जा रहा था। तो
इराक इन्वेजन के दौरान इसका काम जो है वो रुक गया था। इसका पहले नाम कुवैत टेलीकम्युनिकेशन टावर रखने वाले थे, लेकिन जो इराक इन्वेजन हुआ था उसके बाद ये बिल्कुल सेफ था, इसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा, तो इसके लिए इसका नाम लिब्रेशन टावर रख दिया गया। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं कुछ ज़्यादा यहाँ पर लाइन काफ़ी लंबी हो चुकी है, आप देख सकते हैं कितनी दूर तक लाइन लग चुकी है। अभी समझ में नहीं आ रहा यार ये इतनी ज़्यादा इधर लाइन लग चुकी है, तो देख सकते हैं मेरे पीछे, और नंबर हम लोगों का कब आएगा कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। तो अभी देख लो उधर ये कलीम भाई और सुमित, देखो लाइन में लोग लगे हुए हैं अभी तक, अभी नंबर हम लोगों का आया नहीं है, गेट यहाँ पर है और थोड़ी देर में आता है नंबर, फिर देखते हैं क्या होता है। देख सकते हैं अभी काफ़ी पब्लिक यहाँ इकट्ठा हो गई, हम लोग बिल्कुल गेट के एकदम करीब पहुँच चुके हैं और थोड़ी थोड़ी उम्मीद लग रही है कि जाएंगे। देख लो कुवैत का झंडा काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है, लहरा रहा है, और ऊपर अपना टावर है यार, पीछे भी देख सकते हैं। देखते हैं कब तक नंबर आता है, पब्लिक पूरी पागल हो चुकी है चिल्ला चिल्ला के यार। इधर से अभी देख सकते हैं वो कभी गेट खोल रहा है कभी बंद कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अंदर वालों को भी कुछ पता नहीं चल पा रहा कि अंदर पब्लिक को नहीं भी नहीं। तो हम लोग अभी इधर यार थक चुके थे काफ़ी, थक के इधर आके थोड़ा आराम कर रहे हैं और कुछ भरोसा नहीं है कि जाने को मिलता है आज नहीं। और अभी बिल्कुल शाम हो चुकी है, 5 बज चुके हैं और अभी तक टावर में किसी की भी बहुत कम लोगों की एंट्री हो पाई है, तो आज लगता नहीं है ऐसा एंट्री हो पाएगी। तो फिर हम सभी लोग, बहुत सारे लोग रिटर्न जा रहे हैं, तो सोच रहे हैं हम लोग भी रिटर्न चलते हैं। और इधर का नज़ारा कुछ ऐसा है चारों तरफ का, पब्लिक काफ़ी निराश खड़ी है यहाँ पर काफ़ी डिस्पिरेट है पब्लिक यहाँ पर, क्योंकि किसी को भी अंदर जाने का मौका नहीं मिला, मुश्किल से 15-20 लोगों का ग्रुप ही अंदर जा पाया। तो अभी हम लोग भी चल रहे हैं रिटर्न और फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि हाँ ये भाई भी देखो आए हुए थे यहाँ पर अंदर जाने के लिए। और कैसा लग रहा है भाई? अच्छा लग रहा है, जाने को नहीं मिला। कल जो है इवेंट होने वाला है सी साइड पर कुवैत टावर के पास, तो हम लोग वहाँ पर जाएंगे और वहाँ का ब्लॉग जो भी रहेगा वहाँ पर कवर करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि यहाँ का नेशनल डे जो आज़ादी का दिन होता है यहाँ पर ये लोग कैसे मनाते हैं। तो फिर हम इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। लाइटिंग देख सकते हैं यहाँ पर कुवैत का झंडा इस बिल्डिंग पर लगाया गया है। अभी और रात हो चुकी है लेकिन हम लोग अभी भी नहीं गए हैं यहीं पर, सोच रहे हैं शायद कुछ हो जाए और मैं आपको आगे चलकर दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी पब्लिक खड़ी है, देखो अभी पूरा रात हो चुकी है, सूरज भी डूब चुका है और पब्लिक देखो अभी तक मतलब हिली नहीं है, जितनी पब्लिक थी उतनी अभी एक भी बंदे को उधर जाने नहीं दिया किसी को। और आप देख सकते हैं मतलब कितने बहादुर लोग हैं यहाँ पर, सब खड़े हुए हैं और ये पूरी पूरी पब्लिक है इधर, और गेट अभी भी पूरा इधर गेट के पास सब खड़े हुए हैं और गेट अभी भी बंद है, टावर पे लाइटें जल चुकी हैं। और अभी ऐसा रहा तो अभी थोड़ी देर में सुबह भी हो जाएगी और सब ऐसे लगता खड़े रहेंगे। तो अभी सोच रहा हूँ मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ, क्योंकि काफ़ी देर से मैं वेट कर रहा था, मैं सोच रहा था थोड़ा कुछ हो जाएगा, कुछ जुगाड़ हो जाएगा जाने का, लेकिन उपट हो गया पूरा। अभी चलते हैं फिर।